नमस्कार, मैं हूं हैप्पी कुमार और फिर से हाजिर हूं अपने विषयों के साथ। बात योग दिवस पर करेंगे। जैसा कि पता है कि सबों को योग दिवस है और आप सबों को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों ने योग के आसन किए होंगे, कुछ लोगों ने योग के आसन को अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के स्टेटस में भी लगाया होगा। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होगा। बाबा रामदेव जैसे लोग योग के बारे में बात करें तो अच्छा लगता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाई जाएं। आपका पसंदीदा योग कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। मेरा पसंदीदा योग ये वाला है, आप सभी को ही जानते हैं, ऐसा करने से बाल लंबे और काले होते हैं, जैसा कि बाबा रामदेव भी बताते हैं। मेरा भी पसंदीदा है, मैंने इसको ज़्यादा कर लिया था, इसी कारण मेरा थोड़ा सा कलर भी और काला हो गया है। लेकिन बात यहाँ तक कि एक दिन मैं रेलवे स्टेशन में था, भागलपुर के रेलवे स्टेशन में, तो 3-4 महिलाएं योग कर रही थी, यही वाला, और इसका नाम मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें। तो 3-4 महिलाएं योग कर रही थी, तो मैंने पूछा इसको करने से क्या होता है। तो एक महिला ने बताया कि इसको करने से बाल लंबे और काले होते हैं। तो एक महिला साड़ी से मुंह झाँप कर बैठी हुई थी और योग नहीं कर रही थी। तो मैंने पूछा, बहन जी आप योग क्यों नहीं कर रही हैं? उनका जवाब सुने, उन्होंने कहा, भैया हम योग ज़्यादा कर लिए थे इसीलिए मेरी मूछें भी आ गई हैं। तो थोड़ा सा संभल कर भी करना। बाबा रामदेव कहते हैं कि योग करना चाहिए, क्योंकि योग करने से मोटापा कम होता है, शरीर लचीला हो जाता है, और इतना लचीला हो सकता है कि आप के अंदर महिला के वस्त्र भी आ सकते हैं। जैसा बाबा रामदेव ने महिला के वस्त्र पहनकर स्टेज से कूदे थे, आप लोगों को याद होगा न्यूज़ के माध्यम से। अच्छा, बाबा की एक बात समझ में नहीं आती है। बाबा हमेशा करते हैं काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो। बाबा अभी खुद योग छोड़कर काम धंधा में उतर गए हैं। आप लोगों ने देखा होगा पतंजलि ब्रांड के बहुत सारे चीज़ आते हैं। पतंजलि ब्रांड के मैंने ऐसे चीज़ देखे हैं व्हाट्सअप की यूनिवर्सिटी में, आप लोगों ने देखा होगा। मैं कुछ बगल में फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। पतंजलि चप्पल, पतंजलि हेलमेट, यहाँ तक कि पतंजलि के स्कूल ड्रेस भी निकल गए हैं, और पतंजलि का यहाँ तक सोफ़ा भी मैंने व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में देख लिया है, आप लोगों ने भी देखा होगा। बात तो तब हद हो गई जब एक बिहार के लड़के ने बाबा रामदेव को एक खत लिखा कि सेवा में श्रीमान रामदेव महोदय जी, विषय हर्बल दारू के संबंध में। और उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि महाशय सबने निवेदन यह है कि बिहार में नीतीश सरकार जी ने दारू बंद कर रखा है, इसलिए आप अगर कोई पतंजलि का हर्बल दारू लाएंगे तो शायद नीतीश सरकार मान सके। ऐसी ऐसी कहानियां बनने लगी हैं। उड़ते उड़ते कानों तक ये भी खबर आई है कि पतंजलि का आप थोड़ा दिन में खैनी भी आने वाला है, क्योंकि बिहार में आप लोग जानते हैं खैनी किस तरह से पॉपुलर है। और एक बार तो गजब हो गया कि हमारे स्कूल में योग दिवस हो रहा था, हमारे स्कूल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, जिसमें संस्कृति परंपराओं पर, जिसमें हमारे पूरे संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो योग दिवस के दिन योग कराया जा रहा था। मेरे बगल में एक मेरा दोस्त था, नाम नहीं लूँगा, हो सकता है वो भी वीडियो देख रहा हो, लेकिन उसका उस दिन सर्दी था और नाक बह रहा था। तो एक योग गुरु थे हमारे विद्यालय में, उन्होंने कहा कि सबसे पहले श्वास को अंदर लीजिए। तो उसने अपने नाक का सारा श्वास अंदर लिया, और फिर जब दूसरी बार कहा बाबा ने कि अपने फिर दूसरे नाक से श्वास को बाहर फेंकिए, तो उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ था, उसके शर्ट में जो इस मेरे बगल वाले लड़के ने जो सौंठ बैठाया है, इसका विवरण हमसे मत पूछिएगा, आनंद आता है। लेकिन ये सारी बातें मस्ती मजाक के लिए थी, क्योंकि आपके चेहरे में हंसी आ पाए, क्योंकि हंसाना भी एक योग है। आप अगर दिन में हंस लेते हैं तो कहा जाता है कई तरह की रोग और बीमारियां दूर हो जाती है। मैंने अगर इसमें आपका थोड़ा सा सहयोग कर दिया है तो आपके प्यार चाहूँगा। लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे लोग चले जाते हैं वीडियो देखकर, ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी लगे कि आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो उसे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं, बड़ा अच्छा, अभी नाव पे बैठा हुआ हूँ और पीछे थोड़ा सा समुद्र जैसा फील आ रहा है, लेकिन समुद्र है नहीं, ये हमारे क्षेत्र का कोल माइंस, कोयला खदान का क्षेत्र है, ललमटिया लोहंडिया का क्षेत्र। धन्यवाद, नमस्कार।